डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो पसंद आया? हाउ वॉज द लास्ट वीडियो? कुछ दो चार बच्चों ने ही बताया कमेंट करके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत से बच्चे बताएंगे, लेकिन चलिए ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टुडे वी विल स्टडी दिस चैप्टर फेमस फोर्ट्स। और दूसरी चीज़ जो मैं ये चैप्टर तो विल जस्ट कंटिन्यू इट राइट नाउ, बट वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि हम लोग अपनी इंट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करेंगे अब, जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट खूब मज़े से करते हैं। वो ये है कि हर वीडियो में जीके के मैं आपसे एक क्वेश्चन मिड में, जब अभी टॉपिक चलते रहेंगे या क्वेश्चन लास्ट में, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा। और जब वो क्वेश्चन मैं पूछूँगा तो उसका आंसर आप मेरे उस कमेंट बॉक्स में, जो यूट्यूब पे आप जब उसको देखते हैं तो कमेंट बॉक्स आता है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अच्छा, तो अब आपको आंसर करने से क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे आएगा उसमें, जो आपकी क्लास का होगा, उसमें मैं आपका नाम, जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया होगा, मैं उनके नेम्स रिसाइट करूँगा, मैं उनके नाम लूँगा उस वीडियो में, उसके बाद अगला वीडियो शुरू होगा। तो एक बहुत बढ़िया मौका है अपना नाम सामने लाने का, पूरे क्लास के सामने, मैम के सामने, टीचर्स के सामने। तो बीच में आज एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है? और यूट्यूब चैनल पे आप देखते रहना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप चाहो तो। चलो कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर से, फेमस फोर्ट्स। तो जो ये फेमस फोर्ट्स है, ये फोर्ट्स हमारे इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को शो करता है। और ये जो फोर्ट्स या किले होते थे, इनको प्रिंसली स्टेट्स या किंग्स बनाते क्यों थे, कि ये एनिमी आर्मीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता था। दे प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम आर्मीज दैट इन्वेडेड इन देयर कंट्री। तो और लग्जरियस लाइफ ऑब्वियसली इसके अंदर हुआ करती थी। ये किले एक तरह के दुर्ग, जिसको हम कहते हैं किला कहते हैं, फोर्ट कहते हैं, सॉरी, वो हमें प्रोटेक्ट करते थे उस लेवल से। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था फोर्ट्स का। नाउ कमिंग ऑन, सीधे अपने पढ़ाई पे आ जाया जाए, क्योंकि आज वो क्वेश्चन भी पूछना है जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन, फेमस फोर्ट्स, दैट इज ऑन पेज नंबर 4। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। लोकेटेड इन जोधपुर, राजस्थान, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। द फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई राव जोधा, द चीफ राठौर क्लैन, इन 1460। इट इज सिचुएटेड ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ऑफ अराउंड 400 feet एंड हैज थिक वॉल बाउंड्रीज। इसकी पूरी इतिहास आप पढ़ते जाइए। 1460s में राव जोधा इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, राठौर वंश, राठौर क्लैन मीन्स राठौर वंश को बिलोंग करते थे। द फोर्ट हैज 7 glades इंक्लूडिंग जयपाल, विच वॉज बिल्ट बाई महाराजा मान सिंह टू कमेमोरेट हिज विक्ट्रीज ओवर जयपुर एंड बीकानेर आर्मीज। जयपुर और बीकानेर पे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, उसकी विक्ट्री को शो करने के लिए ये महाराजा मान सिंह ने 7 gates बनवाए थे। इन साइड द फोर्ट देर आर सेवरल प्लेसेस फॉर देयर ब्यूटिफुल कार्विंग, एक्सपेंसिव कोर्ट यार्ड्स, मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेख खाना एंड दौलत खाना। द चामुंडा देवी टेम्पल एंड अ म्यूजियम आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फोर्ट। फोर्ट है कौन सा? द फोर्ट इज मेहरानगढ़ फोर्ट। द आंसर वन इज मेहरानगढ़ फोर्ट। आपको क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो ये फोर्ट, तो आपको थोड़ी सी इसकी एक इमेज और दिखाता हूँ। सी द इमेज ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। दिस इज लोकेटेड इन जोधपुर, राजस्थान, मेहरानगढ़ फोर्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज मेहरानगढ़। नाउ देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट क्लू अबाउट द फोर्ट्स, फेमस फोर्ट्स, द नेक्स्ट वन हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। दिस वॉज बिल्ट बाई काकातिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल। After the downfall of the dynasty, the fort was surrendered to the Bahmani kingdom. The Qutub Shahis took over control after the decline of Bahmani kingdom until the fort was ruined in 1687 by Aurangzeb.
Now, the Mughal Emperor. The fort, minutely carved domes, pillars, entrances, mosque and temples are a delight to watch. Now, this fort is, the answer is Golconda Fort. The second answer means the second fort which we are talking about, or the question which you are seeing on the screen, the answer is Golconda Fort. Now again, let us have a clear picture of Golconda Fort on your screen. Now you can see here, Golconda Fort. Okay, coming on to the third question. Now the third question is, it is one of the majestic forts located in Gwalior, Madhya Pradesh. Gwalior is located in Madhya Pradesh. It is a hill fort surrounded by walls of sandstone, and it is known for its military style architecture and the aesthetically painted wall that supports a royal blue color in the carving. Then now, the fort consists of defensive structure, two main palaces, Gujari Mahal and Maan Mandir, built by Rana Maan Singh Tomar. Now, अब ये तीसरा भी हमारे पास आ गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश. ग्वालियर तो ऑब्वियसली अपने आप में बहुत फेमस रहा है, तो द आंसर इज ग्वालियर फोर्ट. द थर्ड आंसर इज ग्वालियर फोर्ट. नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव एक्चुअली अ पिक्चर ऑफ द ग्वालियर फोर्ट, अनदर पिक्चर, अ क्लियर पिक्चर दैट यू कैन सी हियर. ग्वालियर फोर्ट आंसर नंबर थ्री. हैव अ लुक एट द इमेज. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएं कि अपना क्वेश्चन आज वाला पूछ लें. आज शुरुआत में एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, एक बार एंड में भी फिर पूछूंगा. द क्वेश्चन इज, यू हैव टू जस्ट नेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द यूट्यूब चैनल वेयर यू आर सीइंग द वीडियो. जिस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो, उसके कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दे दीजिएगा. ओके, देन नाउ द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ अगेन कमिंग ऑन टू द टॉपिक. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया एंड ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. लार्जेस्ट फोर्ट्स देश के अपने सबसे बड़े किले में से है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज है. This fort stands 180 meters high hill covering an area of 700 acres near the banks of river Berak. बड़ा ही famous fort है ये. अभी बीच में एक movie आई थी पद्मावती, पद्मावत, जिसका नाम करने पड़ा कुछ issues और disputes को लेके, कुछ विरोध को लेके, करणी सेना राजस्थान के लोगों का. तो अब कुछ कुछ आपको क्लू मिल रहा होगा आंसर का. क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर है ही ऑलरेडी, यू कैन सी द क्वेश्चन. जो इसमें आपके और चूंकि इंपॉर्टेंट जो फीचर्स दे रहा है, देखिए, इन 1303 द सुल्तान ऑफ दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा है आपने, पढ़ेंगे भी आप इस बार भी, लेड अ सीज टू द फोर्ट आफ्टर डिफीटिंग द राजपूत किंग. द लीजेंड ऑफ रानी पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद दिस फोर्ट. तो ये आपका आंसर है चित्तौड़ फोर्ट. The answer is चित्तौड़ फोर्ट. Now चित्तौड़ फोर्ट की भी आपको एक इमेज आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे. You can have a look at the clear picture and image of चित्तौड़ फोर्ट, which is answer number 4. Now question number 5. Again coming on to the screen, question number 5. Just have a clear look at the question. This fort is situated on the northern plateau of Karnataka. Sultan Alauddin Bahman Shah of Bahmani dynasty shifted its capital from Gulbari to Bidar in 1427, where he built the fort along with several Islamic monuments. The fort is constructed on the edge of a plateau. It has a haphazard rhombus-shaped layout and consists of 7 gates. One of its unusual features is its water supply called system Kares. It has a water harnessing technology that originated in Persia. The answer is Bidar Fort.
Bidar Fort is answer number 5. Then again to have a clear view, जिससे आप थोड़ा और proper समझ सकें, Bidar Fort की भी एक इमेज आपको मैं शो कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, that is answer number 5. Now today's last question of this topic, famous fort, is now you can see on the screen. This fort is situated on the banks of river Barak in Silchar, Assam. It was built during the Mughal era. Even in its ruins, the fort exudes a historical charm which attracts a large number of tourists. The answer is Badarpur Fort. The answer is Badarpur Fort, answer number 6. So you can have a picture of Badarpur Fort also. Now this is Badarpur Fort, a clear image of that. So we have attempted the 6 questions. So answer number 1 is Mehrangarh Fort, answer 2 Golconda Fort, number 3 is Gwalior Fort, number 4 Chittor Fort, number 5 Bidar Fort, and number 6 and the last one was Badarpur Fort. Now this was the topic. थोड़ा सा इंटरेक्ट आप करते रहोगे तो मज़ा आएगा, आप एंजॉय करते रहोगे. और जैसा मैंने कहा कि जो क्वेश्चन था वो आज का जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, नेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. थोड़ा इसको कैपिटल कर दिया जाए, नाउ इट इज़ ओके. Name the Defense Minister of India in comment box. ठीक है, तो यही आपका टास्क है. जाइएगा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, अपने आंसर्स टाइप करिएगा. और हाँ बच्चों, अपना नाम ज़रूर उसके बाद लिख देना, क्योंकि कई लोग की जो आईडी बनी होगी जीमेल पे या जिससे भी आप लॉगिन किए हो यूट्यूब पे, कई बार वो समझ नहीं आता है कि किसकी आईडी है. जैसे मान लो आपके मदर या फादर का नाम होगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि किस बच्चे ने कमेंट किया था. तो आप आंसर लिखना, वॉट एवर द आंसर इज, और उसके नीचे अपना नाम लिख देना, तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में बोलूँगा. एंड इफ़ यू नीड, इफ़ यू वॉन्ट दैट फर्दर नोटिफिकेशंस आर कमिंग टू यू, शुड कम टू यू, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. थैंक यू.